आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि सीबीटी एग्जाम क्या है, सीबीटी एग्जाम के फायदे क्या हैं। आजकल जितनी भी सरकारी भर्तियाँ निकलती है उसमें से ज़्यादातर भर्तियों में परीक्षा का माध्यम सीबीटी एग्जाम रखा जाता है। आपने भी कहीं ना कहीं सीबीटी एग्जाम के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन अगर आप सीबीटी एग्जाम के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो में आपको सीबीटी एग्जाम क्या है, सीबीटी एग्जाम के फायदे क्या हैं के बारे में पूरी जानकारी शेयर करने वाला हूँ। अब चलिए बात करते हैं कि सीबीटी एग्जाम क्या है। तो सीबीटी एग्जाम का फुल फॉर्म जो होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। कंप्यूटर का मतलब हिंदी में कंप्यूटर आधारित परीक्षा होती है, वहीं सीबीटी का मतलब होता है कि आपकी परीक्षा कंप्यूटर पर ऑनलाइन होने वाली है। अगर आपने पहले भी किसी सरकारी भर्ती के लिए ऑफलाइन रिटर्न एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा कि एग्जाम में हमें क्वेश्चन पेपर के साथ एक ओएमआर शीट दी जाती है जिसमें हमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं। वैसे बस प्रश्न के सही जवाब को टिक करना होता है, तो बस यही प्रक्रिया सीबीटी माध्यम में होती है। इसमें भी आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं। आपको सिर्फ माउस के कर्सर से सही उत्तर को सिलेक्ट करना होता है और इसी प्रकार से आपको परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं और सभी प्रश्नों के उत्तर देने के बाद फाइनल सबमिशन कर देना होता है। इस प्रकार से आपकी सीबीटी परीक्षा पूर्ण हो जाती है। आगे बताते चलूं कि सीबीटी एग्जाम को ऑनलाइन एग्जाम के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए अगर कहीं पर भी ऑनलाइन एग्जाम के बात चल रही हो तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर सीबीटी एग्जाम की बात हो रही है। तो चलिए जानते हैं कि ऑफलाइन के बदले ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम क्यों आयोजित की जाती है, सीबीटी एग्जाम के फायदे क्या हैं, सब इसी वीडियो में बताने वाला हूं। सीबीटी एग्जाम के बहुत फायदे हैं जिसकी वजह से आजकल ज़्यादातर भर्तियों में ऑफलाइन एग्जाम की जगह ऑनलाइन एग्जाम कराई जाती है। सीबीटी एग्जाम में चीटिंग होने के चांस बहुत कम होते हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन व आंसर कंप्यूटर स्क्रीन पर होते हैं और आसपास बैठे अभ्यर्थियों के प्रश्न भी अलग अलग होते हैं, इसलिए अभ्यर्थी एक दूसरे के प्रश्न उत्तर देखकर चीटिंग नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर एग्जाम में कंप्यूटर स्क्रीन पर एक कैमरा भी लगा होता है जिसमें अगर स्टूडेंट 3 बार से ज़्यादा चेहरे को घुमाकर स्क्रीन से हटाता है तो उसकी परीक्षा को वहीं पर समाप्त कर दिया जाता है। इस वजह से स्टूडेंट का ध्यान सिर्फ अपने सामने दिख रहे कंप्यूटर स्क्रीन पर ही रहता है और वह सिर्फ अपने ही प्रश्नों के उत्तर देता है, इससे चीटिंग होने की चांस ना के बराबर हो जाती है। सीबीटी एग्जाम ऑफलाइन एग्जाम की तुलना में काफ़ी सस्ती पड़ती है। सीबीटी एग्जाम में किसी भी प्रकार की हार्ड कॉपी या क्वेश्चन पेपर की जरूरत नहीं पड़ती है। क्वेश्चन आंसर स्क्रीन पर आते हैं और कंप्यूटर स्क्रीन पर ही अभ्यर्थियों को उत्तर देना होता है, इसलिए ऑनलाइन एग्जाम में खर्चा काफ़ी कम होता है। जितनी भी परीक्षाएं सीबीटी के माध्यम से ली जाती हैं उनका रिजल्ट बहुत ही जल्दी आता है। कुछ एग्जाम्स में तो पेपर देने के तुरंत बाद ही रिजल्ट प्रकाशित कर दिए जाते हैं, लेकिन ऑफलाइन माध्यम में ऐसा नहीं होता है। ऑफलाइन एग्जाम में एग्जाम देने के बाद सभी अभ्यर्थियों को कापियाँ जमा की जाती है, फिर एक एक करके सभी को कापियाँ चेक की जाती हैं जिसमें काफ़ी समय लग जाता है। ऐसे में सीबीटी एग्जाम करवाने का समय काफ़ी ज़्यादा बचत होती है। यदि आप सीबीटी ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो में पूरी बातें बताई गई है। हिंदी में आर्टिकल पढ़ने के लिए वेबसाइट hindi.com पर जाइएगा, वहाँ पर हिंदी में आपको आर्टिकल मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।